हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विग्नर्स की। आज है 16 फेब 2020, डेली करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। हम डिस्कस करेंगे, टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी। स्पेशल नॉलेज में विश्व व्यापार संगठन को हम आज डिस्कस करेंगे। स्टेट में आज पंजाब को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जी के में विभिन्न संगठनों के मुख्यालय और स्पेशली जेनेवा जिस जिसके मुख्यालय हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, और लास्ट में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमे पर निरंतर चलते रहेंगे तो आप ज़रूर अपनी रेस जीत जाएंगे। ओके, कैसे कि आपने वो कछुआ और खरगोश की स्टोरी तो सभी ने सुन रखी है कि कछुआ बहुत धीरे चलता था और खरगोश बहुत तेज चलता था, पर उसको ये लगा कछुआ पीछे रह जाएगा और खरगोश ने सोचा कि हम आराम कर लेते हैं। वो आराम करता रह गया और कछुआ अपना निरंतर चलता रहा और रेस जीत गया। इसी प्रकार आपको निरंतर चलते रहना है और एक ना एक दिन आप अपनी रेस अवश्य जीत जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, देख लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2020 को मनाया गया, इसके लिए थीम क्या रही है? तो रेडियो एंड डाइवर्सिटी जो है 13 फरवरी को मनाया गया है रेडियो दिवस, उसकी थीम रही है रेडियो एंड डाइवर्सिटी। तो थीम जो है आप अगर ट्रिक में चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं रेडियो दिवस की, रेडियो एंड डाइवर्सिटी। तो रेडियो इसमें भी आ रहा है तो आपको भूल रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह कनेक्ट आप कर लीजिए। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, और उसकी थीम पूछी जाएगी तो रेडियो एंड डाइवर्सिटी इसकी थीम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जो है डॉक्टर सरोजनी नायडू जी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल या किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल महिला थी, उनकी जयंती पर ये 13 फरवरी पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, रक्षा से न्यूज़ रहेगी, वो देख लेते। 13 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के किस जहाज को राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। INS शिवाजी जो जहाज़ है उसे राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति रंग से सम्मानित कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के संधायक श्रेणी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज कौन सा है जो श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम तट से संयुक्त रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए कोलंबो पहुंचा था? तो वो है INS जमुना J-16। ओके, ये क्या है? भारतीय नौसेना के संधायक श्रेणी का हाइड्रोग्राफिक जहाज है ये, जो श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम तट से संयुक्त रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के बाद ये कोलंबो पहुँच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से। 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,500 करोड़ रुपए की पूंजी किन 3 बीमा कंपनियों में निवेश करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब 12 फरवरी को क्या हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,500 करोड़ रुपए की पूंजी 3 बीमा कंपनियों के लिए उन्होंने निवेश करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो वो 3 कंपनी कौन कौन सी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन कंपनीज के नेम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट्स के अनुसार वैश्विक बैंकों की सूची में ब्रांड मूल्य में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्शाने वाली बैंक कौन सी है? तो एक रिपोर्ट आई है द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020, उसके अनुसार जो विश्व में जो भी बैंकें हैं सूची में, तो ब्रांड मूल्य सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस बैंक की हुई है? तो इंडसइंड बैंक है, जो 12 महीनों में ब्रांड मूल्य में 122% की इसमें इंडसइंड कंपनी जो है, जो बैंक है उसमें 12 महीने में 122% की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा दी गई भारत की सोवेरियन रेटिंग क्या है? अब एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग आई है तो उसमें भारत की रेटिंग कौन सी है? तो BBB स्थिर दृष्टिकोण के साथ इन्हें दी गई है रेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ जो रहेगी पर्यावरण से रहेगी।
तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है पर्यावरण से है। अमेरिका के एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन के अनुसार अगले कितने वर्षों में जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में पौधों और जानवरों की 3 प्रजातियों में से एक विलुप्त हो सकती है। ठीक है, तो एक जो एरिजोना विश्वविद्यालय है उनके शोधकर्ताओं ने एक स्टडी की है, उन्होंने बताया है कि अगर ऐसे ही जलवायु परिवर्तन होता रहा तो 3 प्रजातियां होंगी उनमें से एक विलुप्त हो जाएगी। कितने वर्षों में? 50 वर्षों में, लगभग 2070 तक। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव के साथ किस युद्धग्रस्त देश से में स्थायी युद्ध विराम के लिए आह्वान किया है? तो लीबिया के साथ। ठीक है, 13 फरवरी को जो UNSC है उन्होंने एक प्रस्ताव के साथ युद्धग्रस्त देश में स्थायी युद्ध विराम का आह्वान कर दिया, मतलब उन्होंने कहा है कि स्थायी युद्ध विराम कर दिया जाए, तो लीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने के लिए स्थायी खाद्य प्रणालियों में निवेश ये विषय रहेगा के तहत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के प्रशासन परिषद के 43वें सत्र का आयोजन किस देश में 11 से 12 फरवरी तक को किया गया था? तो ये किया गया था रोम में। अब रोम से आपको तुरंत आपको याद ही रखना चाहिए कि भुखमरी को समाप्त करने के लिए खाद्य प्रणालियों में निवेश, ये तो है इनकी थीम, और ये जो आयोजन हुआ ये इसका एडिशन था 43। ठीक है, और ये 11 से फरवरी तक आयोजित हुआ। और रोम से ये भी याद रखना कि जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हेडक्वार्टर रोम में है। रोम क्या है? इटली की कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमरीन नेटवर्क वर्ल्ड 2020 नामक विश्व की अग्रणी वार्षिक पनडुब्बी संचार सभा कहाँ 23 से 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी? जो सबमरीन नेटवर्क वर्ल्ड 2020 की एक वार्षिक पनडुब्बी संचार सभा होनी है वह सिंगापुर में होगी। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है, वहाँ की अगर करेंसी पूछी जाएगी तो वो डॉलर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप उद्योग ने सैट सोअर कंपनी के साथ भारत में कृषि के लिए फसल और पानी के प्रबंधन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पर काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने सैट सोअर कंपनी के साथ भारत में कृषि, मतलब जो एग्रीकल्चर है उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने MOU किया। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो पिक्सेल के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का क्या नाम कर दिया गया है? अब नई दिल्ली का जो प्रवासी भारतीय केंद्र था उसका नेम चेंज कर दिया गया, तो उसका नेम कर दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। अब सुषमा स्वराज भवन आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपके दिमाग में तुरंत आता है शीला दीक्षित, पर ये गलत है। सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुषमा स्वराज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नई दिल्ली के विदेशी सेवा संस्थान का नाम क्या कर दिया गया है? तो जो विदेशी सेवा संस्थान है, क्योंकि जो सुषमा स्वराज थी वो विदेश मंत्री थी हमारी, तो अब उनका निधन हो चुका है, तो विदेशी सेवा संस्थान का नाम कर दिया गया है सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। ठीक है, अब विदेश मंत्री की बात हमने की, तो आपको तुरंत ये याद रखना है कि जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें विदेश मंत्री इस समय वर्तमान में कौन है, तो वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं इस समय हमारे विदेश मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार 21 से 23 फरवरी को किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए जैविक खाद्य उत्पादन का उत्सव का आयोजन करेगी? तो अब जो हमारी केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो महिला उद्यमी है, जो मतलब महिलाएं वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए जैविक खाद्य उत्सव का आयोजन करेगी, तो वो कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, अब नई दिल्ली से आपको याद रखना है, कैपिटल तो आप सभी को पता है न्यू दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली ही है। न्यू दिल्ली से आपको याद रखना है, यहाँ पर जो आर्टिकल यूज़ होता है वो होता है 239AA। अरविंद केजरीवाल आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये भी आपको याद रखना है। उन्हें 70 में से 63 सीट्स पर जीत प्राप्त हुई है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। दिल्ली रायसीना हिल्स पर स्थित है, दिल्ली जो है रायसीना हिल्स पर स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए।
दिल्ली में आदि महोत्सव भी अभी हुआ था और काफ़ी कॉन्क्लेव जो भी समिट्स वगैरह होती हैं ज़्यादातर दिल्ली के अंदर होती हैं, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किस नगर निगम के सहयोग से एक अपशिष्ट निपटान परियोजना पर काम करेगा? तो जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो वो एक शहर में एक अपशिष्ट निपटान परियोजना पर काम करेगा। जो भी अपशिष्ट होता है उसको निपटाने के लिए एक परियोजना बनाई जाएगी, उसके साथ वो वर्क करेगा। तो वो कौन सा शहर है या नगर निगम है? तो वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या है? एक तीर्थ स्थान है। और इसी के लिए एक न्यूज़ और आई थी अभी, जो लक्ष्मण झूला है वो कांच का बनाया गया है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। 17 फरवरी से भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का 47वां संस्करण किस शहर में शुरू होगा? अब 17 फरवरी से एक अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला जो है जिसका 47वां एडिशन होगा, तो वो कहाँ पर शुरू होगा? वो तिरुपुर में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्थान कौन सा है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कंपनियों की मदद करने के लिए एक स्थिरता लेखा मंडल, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्थापित करेगा, ठीक है? वह संस्थान कौन सा है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कंपनियों की मदद करने के लिए एक स्थिरता लेखा मानक मंडल स्थापित करेगा, ठीक है? तो वो है भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान, ठीक है? अब ये क्या करेगा कि जो भी हमारे कंपनी जो सतत विकास के लिए होते हैं, जो सस्टेनेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होते हैं, उनके लिए ये क्या करेगा, एक लिखित लेखा मंडल जो है स्थापित कर देगा, तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान। अब व्यक्ति विशेष से जो भी न्यूज़ रहेंगी उसे देख लेते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार गुप्ता को नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, तो आपको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेनी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, आते जरूर हैं, ठीक है? पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, ठीक है? अगर मार्सेलो सोसा भी याद रखेंगे तो भी आपको याद रह जाएगा। पुर्तगाल की जो कैपिटल होती है वो होती है लिस्बन, और करेंसी अगर पूछी जाए तो यूरो आप बता देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष जिनकी उम्र है 112 वर्ष और 344 दिन, वह कौन है? तो वो है चितेत्सु वातानाबे, और ये जापान की कैपिटल होती है टोक्यो, और यहाँ की करेंसी होती है एन। जापान की जो संसद होती है उसे कहते हैं डाइट, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी अर्थव्यवस्था के काम के लिए 2020 टैलर पुरस्कार, पर्यावरण के लिए नोबल पुरस्कार इसे कहा जाता है, तो इसके विजेता कौन बने हैं? हरी अर्थव्यवस्था पर काम किया है इन्होंने, 2020 टैलर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, तो इनका नाम है पवन सुखदेव, और ये भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं, और UNDP जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, उसके सद्भावना राजदूत भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अजय पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज जो रहेगी खेल से संबंधित रहेगी, मार्च 2020 में होने वाले पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मेजबान कौन सा केंद्र शासित राज्य रहेगा? तो वो रहेगा लद्दाख केंद्र शासित राज्य। लद्दाख के दो कैपिटल हैं, सॉरी लद्दाख की दो ज़िले हैं, तो वो है लेह और कारगिल, और 31 अक्टूबर को ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता है? तो ये एक तो क्वेश्चन ये भी बन गया कि प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, दूसरा ये प्रथम भारतीय है, तो प्रथम है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो मनप्रीत सिंह ये भारतीय पुरुष हॉकी संघ के कप्तान हैं। ओके, अब महिला पुरुष हॉकी संघ की कौन है कप्तान, तो ये आपको तुरंत बता देना है, अगर नहीं बता दे तो हम ही बता देते हैं, रानी नो हॉकी संघ नहीं, ये तो क्रिकेट की हैं, माइंड से स्लिप हो रहा, तो आप बताइएगा कमेंट में, हम आपको कल बताते हैं। वह दो श्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन है जो 7 मार्च 2020 को मुंबई में अन अकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज नामक एक T20 खेलों के शुरुआती खेल में एक दूसरे से के खिलाफ भिड़ेंगे?
वह दो श्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन हैं जो 7 मार्च 2020 को मुंबई में अनअकैडमी रोड सेफ्टी वार्ड सीरीज नामक एक T20 खेलों के शुरुआती खेल में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी, मतलब खेलेंगी। तो सचिन तेंदुलकर और वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा, ये क्या हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, सभी लोग को पता है सचिन तेंदुलकर जी। तो ये एक T20 खेलों की शुरुआती खेल में ये एक दूसरे के खिलाफ ये खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन रहा है? तो जो हॉकी गोल्ड कप ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप जो रही है 2020 की, उसमें भारतीय नौसेना जो है वो चैंपियन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा राज्य विशेष से रहेगा, किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर में किशोर घरों में बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2 करोड़ रुपए के वार्षिक बजटीय प्रावधान के साथ किशोर न्याय कोष को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, किशोर घरों में बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2 करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान के साथ किशोर न्याय कोष को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट न्यूज जो रहेगी वो ज्ञान विज्ञान से रहेगी, किस देश ने एला नाम का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पुलिस एक जीवन जैसा आवासीय सहायक पदाधिकारी प्रस्तुत किया है? तो न्यूजीलैंड जो है उन्होंने क्या किया है कि एला नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है एक अधिकारी के रूप में, तो ये आपको याद रखना है। अब ये इससे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसरो ने अभी व्योम मित्र नामक का ह्यूमनॉइड रोबो बनाया था चंद्रयान 3 का परीक्षण करने के लिए, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी प्रकार इन्होंने पुलिस के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाला एक एला नाम का रोबो बनाया हुआ है जिसे एक पदाधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। अब जो भी न्यूज़ रही हैं उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो मतलब एयर कहते हैं ना, न्यूज़ ऑन एयर, एयर का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो, उस पर आप लोग न्यूज़ सुना कीजिए। आप हमारे खबरी ऐप पर भी न्यूज़ सुन सकते हैं, उसी प्रकार एयर पे भी सुनते हैं। स्थापना हुई थी 8 जून 1936 को, मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय महिला दिवस किस जयंती किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू जी की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। ओके, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ओके, और ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने वीडियो के अंदर, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आप 2 दिन दीजिए, आपको खुद लगेगा कि आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और ट्विटर अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो ना देखकर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं रिविज़न के तौर पर। जैसे आपने वीडियो देख लिया और आपको रिविज़न करना है तो आप ईयरफोन लगाइए कान में और आप रिवीजन कर सकते हैं जो भी न्यूजेस रहेंगी उनका, ठीक है। तो हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा, और फॉलो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको क्लासेस की PDF चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लासेस की जो भी PDF है उसे प्राप्त कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप अगर नोट्स नहीं भी बना रहे तो आपके पास पूरा मटेरियल होगा, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं और अगर भूल रहे हैं तो उसको नोट भी कर सकते हैं, ओके। तो अब बात करेंगे न्यूज़ की। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश करने वाली तीन भारतीय प्रदर्शन कलाएँ, अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत की 3 प्रदर्शन कलाएँ जो हैं प्रवेश कर चुकी हैं, मतलब उसमें दर्ज हो चुकी हैं। त्यागराजा के लिए समर्पित मैराथन टीम के प्रयास ने रिकॉर्ड होम मतलब गिनीज रिकॉर्ड्स को 3 स्टेडियम में लाया है। भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत और कुचिपुड़ी को एकजुटता के एक प्रदर्शन
में प्रस्तुत किया गया था और सभी तीन श्रेणियों के एक मंच पर अधिकतम प्रदर्शन करने वालों की प्रतियोगिता जीती थी। तो ये आपके लिए याद रखना जरूरी हो जाता है। अब वो क्वेश्चन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बने तो ये बनेगा कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश करने वाली तीन भारतीय प्रदर्शन कलाएँ क्या हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स निम्न में से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रदर्शन करने वाली तीन भारतीय कलाओं में से कौन सा है। तो उसमें अगर ऑप्शन दे दिया कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कर्नाटक संगीत, और बाकी नहीं दिए होंगे, या तो तीनों इकट्ठे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, एक दिया होगा तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। तो उस पर सही जो होगा उस पर आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल स्वास्थ्य राजदूत पहल। तो 12 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने निवारक स्वास्थ्य पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल स्वास्थ्य राजदूत पहल की शुरुआत की। यह पहल आयुष्मान भारत के एक भाग के रूप में शुरू की गई है। 2 शिक्षकों को हर सरकारी स्कूल में स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत के रूप में चुना जाना है ताकि निवारक स्वास्थ्य पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अब क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा तो यही बनेगा, स्कूल स्वास्थ्य राजदूत पहल की शुरुआत कब की गई। तो 12 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई, और क्यों की गई है, ये की गई है, यह पहल आयुष्मान भारत के एक भाग के शुरू में मतलब की गई है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब इसमें क्या होगा कि जो शिक्षक हैं स्कूल में, जो भी शिक्षक होते हैं, उसमें से 2 शिक्षक क्या होंगे, स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत के रूप में चुने जाएंगे ताकि जो भी निवारक स्वास्थ्य पहलू होते हैं उनमें जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में सबसे गर्म तापमान 20.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों में 20.75 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सर्दी हो रही है, अभी तो कम हो गई है, पर वहाँ हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। यह महाद्वीप पर पहली बार 20 डिग्री के अवरोध को तोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका क्षेत्र में दुनिया का 70% पानी जो है ताज़ा पानी है। अगर यहाँ के सभी ग्लेशियर पिघल गए तो समुद्र तल 50 से 60 मीटर तक ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो डेटा है वो याद रखना है कि जो तापमान है दर्ज कितना किया गया है, 20.75%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा सरकार ने महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। अब जो ओडिशा सरकार है तो उन्होंने क्या किया है कि जो महंगाई भत्ते हैं उनमें 5% की बढ़ोतरी कर दी, उन्हें बढ़ा दिया गया है। ओडिशा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते के लिए 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य आयोग के कार्यान्वयन के लिए हिस्से के रूप में लंबित 10% बकाया को मंजूरी दी गई है। अब ओडिशा की बात हुई है, इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रख लीजिए कितनी बढ़ोतरी की है, तो 5% की। ठीक है, ओडिशा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर, और यहाँ के सीएम जो है उनका नाम है नवीन पटनायक, और अगर राज्यपाल पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे गणेशी लाल। ओके, ओडिशा का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक, भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको ओडिशा के अंदर मिलेगा, नंदनकनन नेशनल पार्क जो है वो भी आपको ओडिशा के अंदर मिलेगा। ठीक है, और जो चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पिनाक और जो भी ब्रह्मोस मिसाइल, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण दिसंबर 2019 में किया गया। ये करंट के बेस से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ग्राहक प्रतिभूतियों को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली जो है पेश करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सेबी के दलालों द्वारा हाल ही अपने ग्राहकों के प्रतिभूतियों का दुरुपयोग को ट्रैक करने के लिए एक इन हाउस प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली में एक ऑनलाइन रजिस्टर ग्राहक प्रतिभूतियों के दलालों को रिकॉर्ड करेगा। डेटा में किसी भी बेमेल को एक्सचेंज के लिए एक चेतावनी के रूप में चिन्हित किया गया है। अब जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है उन्होंने ग्राहक प्रतिभूतियों को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली पेश कर दी है। क्यों? क्योंकि जो भी मिसयूज होता है ना उसको रोकने के लिए। ओके, तो अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व व्यापार संगठन की। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है,
सदस्य देश अगर पूछे जाएंगे तो वर्तमान में 164 देश जो हैं विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अगर नवीनतम देश पूछा जाएगा, लास्ट में कौन ऐड हुआ है, तो अफगानिस्तान जो है वो विश्व व्यापार संगठन में 164वां देश है। कैपिटल होती है काबुल। अफगानी वहाँ की करेंसी हो जाएगी। अगर महानिदेशक पूछे जाएंगे तो रॉबर्ट एजुवेडो जो कि ब्राज़ील के हैं, ब्राज़ील की कैपिटल होती है ब्राज़ीलिया। ओके, अब विश्व व्यापार संगठन का इतिहास 15 अप्रैल 1994 से प्रारंभ होता है जब मोरक्को के एक शहर माराकेश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रशुल्क एवं व्यापार पर सैन्य समझौता जिसे गैट कहते हैं के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी। वस्तुतः इसी सम्मेलन में गैट को नया नाम विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया गया। यह संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। इसके प्रभावी अध्यक्ष इटली के प्रमुख व्यवसायी रेनेटो रुगियारो बनाए गए थे। तो ये प्रथम अध्यक्ष थे WTO के। अगर क्वेश्चन बन सकता है इसमें से तो ये बनेगा कि गैट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, पूर्व में क्या नाम था, तो वो था GATT। ओके, गैट। तो विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है? पीटर सदरलैंड ने अपने एक भाषण में कहा था कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों को व्यापार एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नई राह पर लाना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है। ओके, तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से WTO की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगर सदस्य देश पूछे जाएंगे तो 164। नवीनतम देश जो कि अभी शामिल हुआ है फिलहाल में तो अफगानिस्तान। महानिदेशक रॉबर्ट एजुवेडो जो कि ब्राज़ील के हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेट। स्टेट में हम आज पहली बार डिस्कस करेंगे पंजाब स्टेट को। तो पंजाब की जो राजधानी है वो होती है चंडीगढ़। ओके, सबसे बड़ा शहर अगर पंजाब का पूछा जाएगा तो लुधियाना है। राज्य की पक्षी यहाँ का नीलकंठ है। और राज्य की पशु अगर पूछा जाएगा तो कृष्णसार है। जिले पंजाब के अंदर 22 हैं। राजभाषा पंजाबी और हिंदी है। अगर गठन की बात पूछी जाएगी तो पंजाब का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। राज्यपाल अभी हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अगर मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे तो अमरिंदर सिंह हैं और जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 117 हैं। राज्यसभा की सीटें 7 हैं और लोकसभा की सीटें जो हैं 13 हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। लोकसभा कितनी है और राज्यसभा कितनी है? डिस्ट्रिक्ट हैं 22, लोकसभा की सीटें जितनी हैं 13 और जो राज्यसभा की सीट है वो है 7। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है कृष्ण मुरारी जी। ठीक, अब इसकी सीमा किस किस से टच होती है, क्योंकि ये रफली बना रही हूँ, यहाँ पर है पंजाब, तो अब आपको समझ लेना है कि कहाँ पर होगी इसकी सीमा। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में हरियाणा है एवं राजस्थान और पश्चिम में पाकिस्तान से इसकी जो सीमा है टच होती है। अगर पंजाब के पर्वत पूछे जाएंगे तो पीर पंजाल, धौलाधार तथा शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं वो आपको पंजाब के अंदर मिलेंगी। नदियाँ अगर पूछी जाएंगी तो सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज और झेलम नदियाँ जो हैं वो आपको पंजाब के अंदर मिलेंगी। इसीलिए 5 नदियों को जो संगम होता है इसीलिए उसका नाम पंजाब रखा गया है। झील अगर हरी की पत्तन झील जो कि अमृतसर में, ये वहाँ की झील है। मुख्य फसल अगर पूछी जाएगी तो गेहूं, चावल मुख्य फसल हो जाती है। प्रमुख त्यौहार अगर पूछे जाएंगे तो बैसाखी और गुरु पर्व जो हैं पंजाब के मुख्य पर्व हैं। नृत्य अगर पूछे जाएंगे तो भांगड़ा पुरुषों के लिए और गिद्दा महिलाओं के लिए वहाँ का मुख्य नृत्य है। पर्यटन स्थल आप सभी को पता है स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। जालियांवाला बाग वहीं पर है जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, 1919 में वो घटना हुई थी जलियांवाला बाग की। दुर्गियाना मंदिर भी आपको वहाँ पर ही मिलेगा। वन्यजीव बिहार में अवोहर वन्यजीव बिहार, वीर वुनार हेरी वन्यजीव बिहार, वीर मोतीबाग, हरी के झील और वीर गुरदयालपुर जो है वन्यजीव बिहार पंजाब के अंदर आपको मिल जाएंगे। शोध एवं अनुसंधान संस्थान में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान
वहाँ पर शोध संस्थान है। और ताप विद्युत गृह जो है वो रोपड़ में आपको मिलेगा पंजाब के अंदर। तो पंजाब से जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हम आज बता रहे हैं विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय। तो जितने जेनेवा में मुख्यालय थे आज हम वही लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन का जेनेवा में मुख्यालय मिलेगा आपको। विश्व मेटेरियोलॉजिकल संगठन भी जेनेवा में मिलेगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा में मिलेगा। रेड क्रॉस संगठन का जेनेवा में मुख्यालय है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्वेज जो है वो भी जेनेवा में मुख्यालय मिलेगा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जेनेवा में मुख्यालय मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का मुख्यालय भी जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का जो मुख्यालय वो आपको जेनेवा में मिलेगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय भी जेनेवा में मिलेगा। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका, लोकसभा चुनाव 2019 में पंजाब की कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? तो लोकसभा की सीटें वहाँ पर कितनी है? 13। पुस्तक माइंड मास्टर के लेखक कौन है? तो वो है विश्वनाथ आनंद। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 4 फरवरी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 64वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मेघना गुलजार को। वन नेशन वन कार्ड स्कीम कहाँ लॉन्च की गई? तो अहमदाबाद में। ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या कर दिया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है जो कि दिल्ली में है। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑडियो क्लिप आपको सुनना है तो खबरी ऐप पर आप हमें सुन सकते हैं। हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी विकनर्स की के नाम से मिल जाएगा। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।